इस बार लंबी सर्दियों को देखते हुए गर्मियां आने का लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम विभाग ने उन लोगों के लिए बुरी खबर दी है। भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणी में कहा गया है कि इस बार देश में भयंकर गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल जून के बीच अलनीनो का असर न्यूट्रल रहेगा, लेकिन इस दौरान देश के उत्तर और दक्षिण हिस्सों में भयानक गर्मी पड़ेगी। भारत में अप्रैल से गर्मियों की सीजन की शुरुआत हो जाती है, जिससे जुलाई में मानसून आने के बाद ही राहत मिलती है, लेकिन इस बार अप्रैल के पहले हफ्ते में ही तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। हमने बात की भारतीय मौसम विभाग भोपाल सेंटर की साइंटिस्ट डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन से। देखा गया तो गर्मी का सीजन है, सेंट्रल इंडिया में गर्मी रहते हैं और ये साल वैसा देखा गया तो एलिनो ईयर भी है। एलिनो का भी आने वाले सीजन में वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो एक्टिव है। तो नॉर्मली एलिनो ईयर्स में गर्मी ज्यादा रहता है और साथ साथ अभी ग्लोबल वार्मिंग का भी अभी पिछले कुछ सालों में देखा गया तो टेम्परेचर बढ़ते रह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ऑल टुगेदर एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा जगह पे बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में 10 से 20 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसमें झारखंड में 4 अप्रैल से गर्मी की पहली लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही कुछ जगहों पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान लगाया गया है। एमपी में इस समय तापमान 37 से 40 डिग्री जा रहा है, जो अगले हफ्ते 42 डिग्री तक पहुँच सकता है। हीट वेव का देखा गया तो टोटल टोटल इंडिया में देखा गया तो काफी जगहों में हीट वेव का नंबर ऑफ डेज ज्यादा दिख रहे हैं। और एमपी के केस में फॉर द सीजन अप्रैल से जून में ऑलमोस्ट सभी एरिया में हीट वेव प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। और ओनली फॉर अप्रैल हम देखा गया तो पश्चिम ईस्टर्न साइड में कुछ कुछ इलाकों में कम है, लेकिन वेस्टर्न साइड में ज्यादातर एरिया में अबव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी दिख रही है। मेनली ये जो कंडीशन के हीट वेव और ज्यादा टेम्परेचर जब रहते हैं उसी टाइम में बाहर जाने का काम करना है, और इवन जाना है तो भी हमें प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेके चलना है। छाता और कपड़ा जो यूज कर रहे हैं कॉटन का यूज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा फ्लूइड्स लेना पड़ेगा, बॉडी को हीट के लिए सर्वाइव करने के लिए जो अलग नारियल पानी नींबू पानी ऐसे लेना है। और कभी भी ऐसे कुछ हीट स्ट्रोक ऐसे कुछ किसी को आपको लग रहे हो रहे तो जितना जल्दी उनको हॉस्पिटल में लेके जाना, अपना ट्रायल मत करना, जितने जल्दी मेडिकल सपोर्ट मिलेगा उसके लिए ट्राई करना।